Hi friends, good morning. Welcome to my bird farm Hidden Happiness and welcome to my YouTube channel Hidden Happiness. और friends, आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा बहुत टॉपिक भी अच्छा है और जो चीज़ हम लाए वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि इस टॉपिक में बताने वाले हैं आपको किस, पहले चलो साथ में अपन बताएंगे, तो ठीक है चलो साथ में. फ्रेंड्स, जो आज चीज़ बताने वाला है, हम लोग मेरे फ्रेंड के वहाँ से हम लोग 3 काकाटेल के बच्चे लेकर आए थे. एक्चुअली वो उनकी आँख भी नहीं खुली थी, पर हम लोग हैंड फीडिंग के लिए मैं लेकर आया था, तो उनको यहाँ मेरे को लगा कि चलो एक बार काकाटेल के मटकी के अंदर रख दे क्या होता है देखे. जो फिर लाकर मैंने रखा तो वो काकाटेल ने पूरी अच्छी तरह से उनको हैंड फीडिंग फीडिंग कराने लग गए. तो एक अच्छी भी बात है, क्योंकि देखने जाए तो बर्ड्स के अंदर जैसे दूसरे के बच्चे रहते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी फीडिंग नहीं कराते, पर इसने ऑलरेडी एक क्लॉच निकाल दिया, इसके अंडे भी नहीं थे, कुछ नहीं था, इसको सिर्फ हमने रखा अंदर और काकाटेल ने उनको फीड कराना भी स्टार्ट कर दिया. और जो पैर फीड करा रही वही नहीं, पर जो दूसरी पैर भी हमारी जो मेटिंग कर रही है और उसने अंडे भी रख दिए वो भी फीड कराने लग गए. तो एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि एक बर्ड दूसरे पेरेंट्स के बच्चे को फीड करा रही है, वो भी बहुत अच्छा है. तो चलो साथ में देखते हैं बच्चे कैसे हुए, वो भी सब चलो साथ में देखते. आप देख सकते हो कि हम 3 बच्चे लाए थे, उनकी आँख भी नहीं खुली थी, अब तो पूरे कंप्लीट हो गए बच्चे. देखो पूरे मस्त कंप्लीट हो गए, फीमेल भी बहुत अच्छी तरह से उसको खिला रही है, तीन बच्चे को. यहाँ क्रॉप भी उसका भरा हुआ है, देख सकते हैं तीन को बहुत अच्छी तरह से खिला रही है फीमेल. जैसे कि ये जो नीचे वाली जो है ये मेल है और ये फीमेल है, ये दोनों दो वो जो बच्चे तीन दोनों दो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से खिलाती है. और कभी ज़्यादा भूखे रहते तो ये जो दो ये पैर है ये भी बहुत अच्छी तरह से खिलाती है और वो अंडे भी है. हमने चेक किया था लास्ट में करीबन 5 अंडे जैसे था उसके अंदर भी. अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है. और ये बच्चे को तो बहुत अच्छी रीत से खिलाती, हमने सुबह दे दिया था सूरजमुखी सनफ्लावर सीड सोयाबीन चने वगैरह सब सॉफ्ट सीड दे दिया था. अब दोपहर को हम इनको जो रेगुलर सीड है जैसे कंगनी दाना है वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे. और फ्रेंड्स, इसका जो भी क्या भी कैसे बड़े हो रहे हैं क्या हो रहा है क्या हम दवाई या कुछ भी दे रहे हैं वो सब चीज़ भी आपको बाद में बताते रहेंगे. और फ्रेंड्स, जो हमने काकाटेल का हैंड फीडिंग पे ले लिए थे बच्चे, उसका भी जो वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, तो वहाँ जाकर आप देखिए कि कैसे बर्ड्स को हैंड फीडिंग कराते हैं. तो थैंक यू फ्रेंड्स, और हो सके इतना ये वीडियो हमारा देखो, और क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स ने बड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स थोड़ा डिफ़िकल्टी में था और थोड़ा मेडिकल या थोड़ा उसको थोड़ी बीमारी आ गई थी, तो हम लोग ले आए थे घर पर. तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके.